बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो एक टर्की स्टाइल की डिश है। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने जो नारियल है उसकी फर्स्ट लेयर लगा ली है। इसके बाद मैंने एक पैन में 2 कप के करीब मैंने वो ले लिया है दूध। और इस दूध में हम एक इसको उबालने के लिए मैंने पहले से रख दिया है। और इसके अंदर 1/4 कप दूध, ठंडा दूध लेकर उसके अंदर 4 टेबल स्पून मैदा डाल के और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स कर लिया है, ठीक है। और इसके लिए हमें तकरीबन 1/2 कप चीनी भी चाहिए। आपकी मर्ज़ी, आप आगे पीछे कर सकते हैं जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अंदर पहले सबसे पहले हम चीनी डाल देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ये जो पेस्ट हमने बनाया था इसको हम डाल देंगे। इसको तब तक खिलाते रहना जब तक एक गाढ़ा सा पेस्ट नहीं बन जाए। तो तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। ये हमारी सेकेंड लेयर होगी। ओके, इसकी कंसिस्टेंसी तकरीबन ऐसी हो जानी चाहिए। इसको करने के बाद हम इसको अपनी सेकेंड लेयर बना लेंगे। और इसके अंदर हम सारा इसको डाल देंगे। ये हमारी सेकेंड लेयर रेडी है। इसके बाद हम अपनी थर्ड लेयर की तरफ जाते हैं। ओके, थर्ड लेयर के लिए मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है। तकरीबन 300 ग्राम्स और 180 ग्राम मैंने क्रीम चीज का इस्तेमाल किया है। इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से बीट कर दूंगी। ओके, क्रीम चीज और जो हमारा व्हिपिंग क्रीम है वो दोनों आपस में अच्छी तरह मिक्स हो गए। उसको हम क्रीम चीज और जो ये व्हिपिंग क्रीम है इनको मिक्स करने के बाद हम ये हमने पाइपिंग बैग ले लिया है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ओके, पाइपिंग बैग में डालने के बाद हम अपनी थर्ड लेयर आसानी से बना सकते हैं। ओके, थर्ड लेयर को हम अच्छी तरह उसको बराबर कर लेंगे किसी भी चीज की मदद से जिससे आसानी से हो जाएगी। हमारी थर्ड लेयर तैयार हो गई है और अब हम इसके ऊपर अपनी मर्जी से इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ली हुई हैं, मैं उसके थ्रू करूँगी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, चेरी भी डाल सकते हैं, जो फ्रूट आपको पसंद हो या जो आपके पास मौजूद हो वो आप डाल के इसको अच्छी तरह सजा सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है वो इसको पीस के रखा हुआ था, इसको थोड़ा सा डाल लेते हैं। और ये देखिए, खूबसूरत सी एक डिश तैयार हो गई है। और इसके ऊपर हम ये अपने पिस्ते भी स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल सी टर्किश डिश, स्वीट डिश जो है वो रेडी है। आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।